Hello everyone, I'm Amna Khan, an English teacher with BS English qualification. I welcome everybody to my YouTube channel and request you people to like my video and subscribe my channel. So in this video, I'm going to tell you people about present continuous tense in passive voice. यानी present continuous tense के सिग्नल को active voice से passive voice में कैसे तब्दील करें. तो इसके लिए कुछ तब्दीलियाँ दर्ज ज़ैल करनी पड़ती हैं. सबसे पहले फाइल की जगह मफूल और मफूल की जगह फाइल इस्तेमाल होता है. जैसे मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस टेंसेस में भी बता चुकी हूँ कि फाइल की जगह मफूल और मफूल की जगह फाइल इस्तेमाल होता है. फाइल की जगह मफूल ले लेता है, मफूल की जगह फाइल. इस टेंस के पैसिव वॉइस फिक्रों में इमदादी फेल इस बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग इस्तेमाल होता है. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस, एम और आर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इस, एम और आर के साथ बीइंग वर्ड की एडिशन हो जाती है. अब पैसिव वॉइस फिक्रों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, न पहली न दूसरी. अब पैसिव वॉइस टेंसेस बनाने का कुल्या क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इस, एम, आर, उसके बाद बीइंग जैसे कि मैंने पहले बताया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर एजेंट, सॉरी फिर बाय और उसके साथ एजेंट. एजेंट के साथ हमेशा बाय इस्तेमाल होगा. हर पैसिव वॉइस के टेंस में एजेंट के साथ हमेशा बाय इस्तेमाल होगा. मिसाल के तौर पर एक्टिव वॉइस में एक फिक्रा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. फिर पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम. अब नोट करें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है और जो सब्जेक्ट है यानी दे, उसने ऑब्जेक्ट या एजेंट की जगह ले ली है और उसके साथ बाय भी इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह से जो प्लेइंग वर्ड था फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब थी वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है. शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर. अली इज़ नॉट अब्यूजिंग मी, आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय अली. फिर एक्टिव वॉइस में फिक्रा है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक. अब पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे, अ बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हर. जो भी ऐसा वर्ड रीड जो कि थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसे आप ब्लैट पढ़ेंगे. फर्स्ट फॉर्म में रीड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में से आप ब्लैट पढ़ेंगे. फिर एक्टिव वॉइस में फिक्रा है, आर यू टीचिंग हिम. अब पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर देंगे, इज ही बीइंग टॉट बाय यू. उसके बाद एक्टिव वॉइस में फिक्रा है, हु इज़ मेकिंग अ नॉइस. पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर देंगे, बाय होम इज़ अ नॉइस बीइंग मेड. उसके बाद एक्टिव वॉइस में फिक्रा है, व्हाट आर यू राइटिंग. अब पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर देंगे, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू. उसके बाद एक्टिव वॉइस में फिक्रा है, एम आई स्पीकिंग द ट्रुथ. तो पैसिव वॉइस में इसे चेंज कर देंगे, इज द ट्रुथ बीइंग स्पोकन बाय मी. अब यहाँ पर एंड पर एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें इंग्लिश सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिखे गए हैं, आपने इस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. मिसाल के तौर पर आई एम लर्निंग अ पोएम, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अ पोएम इज बीइंग लर्नड बाय मी. इसके अलावा किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और साथ ही इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें. थैंक यू सो मच.